also, sir, for coming. We also welcome Mr. S. Raju, who is currently the chairman of Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission. As the additional chief secretary then, sir had extended his fullest cooperation. We also welcome the secretary to the governor, Mr. Ravinath Raman. We welcome Dr. Indu Aluwalia, who is heading the Tobacco Division of Seekers to make this world a better place. Seven GICs of the state, which included these Philip charts, different types of notebooks, each carrying a slogan on anti-tobacco on every page, t-shirts and sweatshirts to every member of the Tobacco Free Brigade, the nodal offices, and also the unique Philip chart, which was released by the person who made me start this initiative, Mr. Keshav Desi Raju. And we had, as I said, trying to put the ownership into the GICs, did a wonderful job there. Uttam Singh Nagar, the school itself is doing it. GIC Patel Nagar, again the school is doing it. And then we have been going to the villages throughout the state of Uttarakhand in all its 13 districts. तम्बाकू और तम्बाकू के प्रोडक्ट्स का सेवन, सिगरेट या दूसरी चीज़ों का सेवन जो है वो पहले से कम हुआ है और ये बहुत आवश्यक है कि ये आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये संदेश दूर दूर तक पहुँचे, क्योंकि हमारे अभी भी बहुत सारे उत्तराखंड में इंटीरियर में पहाड़ों में इस किस्म के एरियाज हैं जहाँ पे टोबैको के इस्तेमाल से टीबी का इंसिडेंस भी बढ़ रहा, तो ये टीबी को भी कंट्रोल करने में सहायक है, कैंसर को कंट्रोल करने में भी सहायक है ये प्रोग्राम। तो इसलिए ये आवश्यक है कि ये अवेयरनेस कैंपेन सब तक पहुँचे, दूर दूर तक यही संदेश जाए कि टोबैको का सेवन जो है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अत्यंत हानिकारक है और ये स्लोगन कि टोबैको किल्स, ये सबके सब तक पहुँच इसमें सारे इंडिकेटर्स जो टोटल टोबैको कंज्यूमर हैं, जो स्मोकर्स हैं, सिगरेट स्मोकर्स हैं, इन सब में सब्सटेंशियल रिडक्शन है। और सबसे खुशी की बात ये है कि साथ में अभी ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे टोटल इंडिया का भी हुआ है, उसमें जो 16-17 में हुआ है, अभी उसकी फैक्ट शीट रिलीज हुई है, उसमें डिक्लाइन जो है उत्तराखंड का वो 13-14% के करीब है, पर यूथ में हमारे सर्वे के अनुसार डिक्लाइन जो है वो 35-40% तक का डिक्लाइन आ रहा है अबाउट टोबैको कंज्यूमर्स, विच इज़ ए वेरी वेरी हैप्पी न्यूज़ फॉर द स्टेट। नंबर टू जो चीज़ है कि आफ्टर टीवी, ये जो उत्तराखंड टोबैको फ्री इनिशिएटिव चलाया है, 70% बच्चे ने कहा है कि टोबैको के खिलाफ नॉलेज उनको स्कूलों से मिली है थ्रू UTFI। बाकी पहले टीवी में 90% ने कहा, बट बिलो दैट इट इज़ मच अबाउट रेडियो, मच अबाउट न्यूज़पेपर्स। सो दिस हैज़ बीन एजुकेटिंग द पीपल, स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली। एंड ए कॉज ऑफ वरी इज कि अदर टाइप ऑफ स्मोकिंग जो है उसमें 150 टाइम इंक्रीज हुआ है, हालांकि नंबर छोटा है, और ये इंक्रीज स्टैटिस्टिकली भी सिग्निफिकेंट है और पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। तो ऐसा लग रहा है कि शायद उत्तराखंड में हुक्का पीने का एपिडेमिक शुरू हो रहा है। तो जब भी हमने DGP साहब से स्पेशली निवेदन किया है कि आप इसको बार फुटिंग पे इस चैलेंज को निपट सीवन इन द माइंड विद पॉजिटिव थिंग्स हैव कम अप एंड वी आर ऑन वे टू बिग सक्सेस। अब ये तो गवर्नमेंट पे आगे डिपेंड करता है कि वो अब एजुकेशन डिपार्टमेंट को पैसे दें ताकि वो इसको कैरी फॉरवर्ड करें। जो हमने एक लक्ष्य बनाया था ऐसे 10 साल पहले, 9 साल पहले,
अचीवेबल है, जैसे राज्यपाल महोदय ने कहा अभी कि लॉट ऑफ वर्क स्टिल नीड्स टू बी डन, देर इज नो प्लेस फॉर कंप्लेंट्स, सो वी स्टिल नीड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क एंड आई एम श्योर इफ दिस टेम्पो कंटिन्यूज उत्तराखंड सून विल बिकम ए मॉडल टोबैको फ्री स्टेट फॉर द एंटायर कंट्री। ग्लोबल एजल टोबैको सर्वे और कई सर्वेज में ये बात सामने आई थी कि उत्तराखंड में और खासकर बच्चों में तंबाकू की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है। करीब 11% बच्चे यहाँ पर स्मोक करते थे और ख़ासकर जब स्कूल से घर आते हैं या स्कूल जाते हुए, साथ ही इंटरवल में रिसेस में वो बीड़ी या सिगरेट पी लिया करते थे। तो इसके लिए बाद में यहाँ पर वर्डंग फाउंडेशन ने एक स्कूल हेल्थ कार्यक्रम चलाया जिसमें कि एक नोडल ऑफिसर होते हैं, इसको एक टंबाकू फ्री ब्रिगेड होती है और साथ में कुछ बच्चे इसमें काम करते हैं। तो इसके बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया है। आज जो सर्वे आया है वो बताता है कि इसमें सबसे अच्छी बात यह कि जहाँ 11% था वह 6% आ गया है बच्चों में, साथ ही स्कूल कॉलेज के आसपास जितने हमारे आउटलेट्स हैं टबैको के वो छोटे बच्चों को नहीं बेच रहे, इसमें भी रिडक्शन है, इसमें भी कम आया है और साथ ही साथ जो और भी तंबाकू कंजप्शन हो रहा था वो इसमें कम हुआ। और सबसे अच्छी बात यह कि 88% बच्चों ने हमें बताया कि वो ना तो उन्होंने कभी तंबाकू का इस्तेमाल किया है और ना आगे करेंगे। तो ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं बच्चे जो समाज में इस बात की चेतना जागृत करते हैं कि आप तंबाकू से दूर रहें। तंबाकू इज द बिगेस्ट किलर नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड। सर ऐसा नहीं किया जा सकता है कि तंबाकू की फैक्ट्रियां ही बंद कर दी जाए? नहीं, ये एक लीगल मामला है और बैन, शायद बैन करने से इसका ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात यह होगी कि अवेयरनेस, जब हम खरीदेंगे ही नहीं तो लोग बनाएंगे किसके लिए, तो ये तो कंज्यूमर की बात है। जब हम किसी चीज़ कंज्यूम नहीं कर रहे तो अपने आप ही सेल कम हो जाती है उसकी, अगर हम कंज्यूम करेंगे तो सेल बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, और क्या किए जाने की आवश्यकता? अभी भी आंकड़े कुछ खास ठीक नहीं है? नहीं, अभी भी हम इसमें, हमारे स्कूल हेल्थ कार्यक्रम चलता है, हमारी टीम्स जाती है, बच्चों को बताती है कि किस तरह से वो तंबाकू छोड़ें। अगर सबसे बड़ी बात तंबाकू के साथ ये है कि ये एक मानसिक एडिक्शन इसमें हो जाता है, तो एडिक्शन हमने भी यहाँ पर हर महीने की 10 तारीख को कॉर्नेशन चिकित्सालय में एक कैंप लगाते हैं जिनको समझाते हैं कि आप टबैको इस्तेमाल ना करें और साथ ही साथ और लोगों को भी प्रेरित करें कि इस्तेमाल ना करें। नहीं, काफ़ी जब से ये कार्यक्रम चला है बच्चों में एक अवेयरनेस आया है और इस अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत जो है काफ़ी बच्चों को की समझ में आया कि वास्तव में ये हमारे लिए हानिकारक है और हमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अपने साथ साथ उन्होंने अपने आसपास के दोस्तों से, अपने घरों में अपने भाई और तमाम जो उनके घर परिवार के जो साथ के लोग हैं उनको भी उन्होंने जो मोटिवेट किया है, तो एक बहुत अच्छा और एक बहुत सफल कार्यक्रम रहा है। सर आगे क्या रहने वाला है, इसमें आप क्या करने वाले हैं? यदि भारत सरकार, ये जैसा कि कार्यक्रम चल रहा था, यदि नहीं भी चले तो बीइंग ए प्रिंसिपल, बीइंग ए टीचर्स और बच्चों के भविष्य को देखते हुए, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए, चाहे कार्यक्रम ऊपर से चले या न चले लेकिन विद्यालय स्तर पर एक प्रधानाचार्य के रूप में इसमें हमारी अहम भूमिका होगी और बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति और ये तंबाकू का जो सेवन न करने का जो वह कार्यक्रम है इसे निश्चित रूप से सफल बनाएंगे।